हम हैं मौजूद बाबा सूखामन डालचंद नंबरदार हॉस्पिटल धनकौर में। यहाँ एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा सूखामल डालचंद नंबरदार हॉस्पिटल की डॉक्टर श्वेता। श्वेता जी, जिनके द्वारा आज हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए 3 बच्चों का जन्म हुआ। हिमलिया गांव निवासी सुबोध की पत्नी नीरज ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इस तरह की पहले भी ये डिलीवरी कर चुकी हैं, पिछले साल भी इसी तरह 3 बच्चों का जन्म हुआ था। हम बात करेंगे डॉक्टर श्वेता जी से, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, आज हमने एक पेशेंट मेरा था जिसका इलाज मेरे द्वारा चल रहा था, नीरज नाम था। आज रात में 12:30 बजे आया था पेट दर्द करके, जिन्होंने 2:30 के आसपास 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 2 बेटा और 1 बेटी थी। इससे पहले भी मैंने पिछले साल मंजू नाम की एक पेशेंट थी मेरी, उनको भी उनके भी 3 बच्चे हुए थे, उनके 2 बेटे 1 बेटा हुआ था एक बार। अच्छा, ज़्यादातर देखा जाता है कि ऑपरेशन के ज़रिए हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म होता है, आप ऐसा कुछ बताएं जिससे गर्भवती महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बच्चे पैदा हों। हाँ, उनको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, फल मतलब दूध दही ये सब चीज़ें, हरी पत्ती सब्जियाँ, फल, हल्का फुल्का काम, ये सब रोज़ कर मतलब रोज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे कम किया जा सकता है, खाने के द्वारा या काम ना करने के द्वारा, जिस भी द्वारा वो कॉम्प्लिकेशन कम हो वो सब चीज़ें उनको फॉलो करते रहना चाहिए, हर महीने डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। अगर कोई भी उनको दिक्कत हो वो डॉक्टर के पास जाए, उस जो भी उनका कॉम्प्लिकेशन है उसका हल पूछे, उसके हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से वो 9 महीने अपना खान पीन रहन सहन फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप कितने दिन से यहाँ काम कर रही हैं? 8-9 साल हो गए हैं, और इससे पहले भी मैंने अभी लास्ट मंथ में मैंने 2 ट्विन प्रेगनेंसी डिलीवरीज नॉर्मल करी हैं, जिसमें से एक पेशेंट बट्टा पासवर का था जिसके 2 बेटे हुए, और एक चप्पड़गढ़ की थी जिसका 1 बेटा बेटी हुआ।